तो उसके बाद एक चीज़ रियलाइज हुई कि कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड उस दिन से फिर एक कंसिस्टेंटली uh, एक मोटो रहा कि वी आर नॉट हियर टू बीट द एग्जाम वी आर हियर टू बीट द कंपटीशन। गुड मॉर्निंग प्रिपरेशन का एक बेसिक बैकग्राउंड uh, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रम्स भी नहीं हुआ था ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज प्रिलिम्स में जब मार्क्स कैलकुलेट किए थे उस समय 80 के आसपास आ रहे थे ये 2019 प्रीलिम्स की बात है जब कट ऑफ लगभग 98 के आसपास था और लोग यही बोले जा रहे थे कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप कट ऑफ दो तीन मार्क्स से मिस करेंगे मैं दो साल से पढ़ रहा था लोग तीन तीन महीने पढ़ के भी क्लियर कर रहे थे एग्जाम तो काफी अच्छा लगा तो काफी एक्चुअली <laughs> एक्चुअली <laughs> कि मतलब नहीं होना है तो बहुत बुरी तरह से कटे ना ऐसे एक दो मार्क्स से अगर रहता है तो फिर खराब लगता है मेरा बहुत क्लियर हो गया था कि नहीं हो रहा है और एक रियलिटी चेक मिली है एंड अगर कोई पूछे कि फाइनली ये रैंक 16 के पीछे क्या एक चेंज जो मतलब मोमेंट था वो यही था प्रिलिम्स नाइनटीन में बहुत बुरी तरह से नहीं होना एंड ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कई लोगों का बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी शायद एक प्रिलिम्स ना हो या मेन्स में बहुत मार्जिन से रहे बट उसको आप टेक इट एज अ रियालिटी चेक टेक इट एज अ मेजर ऑफ द कॉम्पिटिशन अराउंड यू जो मैंने लिया कि जब दो साल पढ़ा है एजुकेशन अच्छा रहा है मेरा आई आई टी डेली का बैकग्राउंड है और उसमें लोग कहते थे कि हो ही जाना चाहिए आपका इतना पढ़ रहे हो प्रलिम्स तो हो ही जाना चाहिए यहाँ तक कि जहाँ जिस शॉप से किताबें लेता था वो पूछे कि अब तो आप मेन्स की किताबें लेने आ रहे हो तो मैंने कहा ना सर अभी प्रिलम्स नहीं हो रहा है तो उसके बाद एक चीज़ रियलाइज हुई कि कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड उस दिन से फिर एक कंसिस्टेंटली एक मोटो रहा कि वी आर नॉट हियर टू बीट द एग्जाम वी आर हियर टू बीट द कंपटीशन। फर्क नहीं पड़ता है प्रीलिम्स कितना डिफिकल्ट है फर्क नहीं पड़ता है मेन्स कितना डिफिकल्ट है आप कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आए हो सर भी उस दिन मेरे से पूछे थे वीडियो में कि क्या एक चीज़ है जो मतलब कंटिन्यूसली मोटिवेट करती है तो मैं बताया सर वो मोटिवेशनल वीडियोस में तो मैं नहीं बिलीव करता हूँ बिकॉज आधे घंटे का मोटिवेशनल वीडियो आप देखो और वो 25 मिनट मोटिवेशन लास्ट करता है बट <laughs> डिसिप्लिन एक चीज़ है एक वो कंटिन्यूस सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन जो आपको आगे ड्राइव करता है एंड आई थिंक सर मेरे लिए यही चीज़ थी जो ड्राइव करती रहे